नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना वर्मा उज्जैन से हूँ। हम ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से हैं। ब्रदर के साथ करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा टॉकीज, स्कूल प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और भी कुछ कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में इंटर इंडिया के जाने माने ग्रेट लीडर, जिनको लोग यूट्यूब पर सर्च कर ज्वाइन करते हैं, उन शख्सियत के साथ इस इंडस्ट्री में आने का सौभाग्य मिला। सर वेस्टीज में 11 महीने में UCD हुआ और मेरा 11 महीने में डायमंड हुआ। इसमें ज़्यादा फोकस तो नहीं दिया था मैंने अभी तक, और कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्वमेंट, इधर इन्वॉल्वमेंट दोनों चल रहा था। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट के लिए पूरी तरह पैशनेट इस लॉकडाउन ने करवा दिया। यहाँ पर हमने ये डिसीजन, मतलब ये हमको कंपैरिजन करने में आया कि आज करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद लॉकडाउन के दौरान जब हमारी इनकम जीरो हो चुकी है उधर से, लेकिन लाइबिलिटी इतनी ही बढ़ी हुई है। हमारे जो टॉकीज का स्टाफ है उसको सैलरी देना ही है, स्कूल का स्टाफ है उसको सैलरी देना है, बैंक के जो इंस्टॉलमेंट जाना है वो भी जाना ही है। और इधर वैसे में अभी 5-6 महीने से कुछ हेल्थ चैलेंज और उधर कॉन्सेप्ट में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ध्यान नहीं दे पा रही थी, उसके बावजूद कंटिन्यू चेक आ रहे थे। तो यहाँ कंपैरिजन करने में आया वाकई इनको मेहनत कहाँ करना चाहिए। मेहनत मतलब ये सोच, अब आप फाइनली डिसाइड कर चुके हैं कि यहाँ ही हमको 3 से 5 साल का प्रोजेक्ट बनाकर इस इंडस्ट्री में मेहनत करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये क्लियर हुआ कि नेटवर्किंग का पावर क्या है, पैसिव इनकम का पावर क्या है, सिस्टम का पावर क्या है। और अगर हमारे मेंटल लीडर के बारे में बात करूँ तो यही कह सकती हूँ कि महेश शर्मा सर एंड फैमिली, माया जी का सरल सहज स्वभाव, बहुत विनम्रता, उन्होंने भी काफ़ी अट्रैक्ट की। और सर के बारे में अगर कहूँ तो सर नारिकेल समाकारा दृश्यंते खलु सज्जना, यह उन पर पूरी तरह चकितार्थ होता है। मतलब जिस तरह नारियल बाहर से पूरी तरह सख्त होता है और अंदर से उतना ही नरम होता है, वैसे ही सर सिस्टम को लेकर, एथिक प्रिंसिपल को लेकर, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी को लेकर इतने स्ट्रिक्ट, इतने सख्त है। और एज ए पर्सन वो उतने ही भावुक, हर किसी के सुख दुख में इन्वॉल्व होने वाले और बहुत ही नरमदिल इंसान है। सर ने 100 क्राउन का एक विज़न लिया है, एक मिशन बनाया है, और 100 क्राउन ले जाना मतलब लोगों के सपनों को पूरा करना। तो सबसे उसके लिए मैं यही कहूँगी कि सर की टीम का 1st क्राउन मैं रहूँगी, ये मेरा ड्रीम है। और उसके साथ ही साथ वो मेरी टीम में हो या सर की पूरी टीम में, जो भी कोर है गो गेटर के थ्रू क्राउन का स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, उनके लिए हम पूरी तरह मदद करेंगे। और अब इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे पिता, विनिंग टीम के पितामह भारिल सलेंट फैमिली, उनके बारे में बोले बगैर तो, या उनके बगैर तो हमारा ये विज़न, ये ड्रीम, ये मिशन कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम एसोसिएशन में, जहां हम इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली कंप्लीट लाइफ का पैकेज हमको मिलता है, जहां CEP के थ्रू, मीटिंग ट्रेनिंग्स के थ्रू, सक्सेसफुल लीडर्स की टीचिंग ट्रेनिंग से जहां बिजनेस ग्रोथ करता है, वहीं भारिल सर की जो स्पिरिचुअल सेशन होता है वो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। तो रियली हम बहुत ब्लेस्ड है कि वेस्टीज हम विथ विनिंग टीम कर रहे हैं, विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के साथ कर रहे हैं। तो जो भी इस सिस्टम को 100% फॉलो करने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है और पैशनेट है वाकई क्राउन जाने के लिए, तो हमारा गोल है कि हम उन सब को मदद करेंगे। मैं मदद करूँगी, माया जी मदद करेंगे, महेश शर्मा सर मदद करेंगे, भारिल सर मदद करेंगे, संध्या मैडम मदद करेंगे, मतलब सबका, पूरे सिस्टम का उनको हेल्प मिलेगी। सो गाइस,
बी कॉन्फिडेंट, बी एक्साइटेड, गो क्राउन, विश यू वेल्थ।